राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तन्वी आज़मी जी को। आइए उनसे जानते हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई इस फिल्म पुरस्कार के लिए। क्या मायने रखते हैं पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? बहुत ही अहम चीज़ है और मुझे बेहद खुशी हुई है और संतुष्टि मिली है कि इस काम के लिए मुझे ये पुरस्कार मिला है। कई सारे दशकों से आप फिल्मों में काम कर रही हैं मैम, हर किसी दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। आज का दौर वो दौर, किस तरीके से देखती हैं फिल्मों को? फिल्म्स तो जैसे बनती हैं वो बनती आई हैं, काम जैसे एक्टर्स करते हैं वो करते आए हैं, लेकिन अब जो है मुझे लगता है मेन स्ट्रीम और सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा का द लाइन्स हैव बीन ब्लर्ड, मतलब वो एक एक जैसी हो गई हैं। काफ़ी सारी पैरेलल सिनेमा की फिल्में अब मेन स्ट्रीम हो गई हैं, मेन स्ट्रीम सीरियस सिनेमा भी कर रहा है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा बदलाव आया है। अगर मैम बाजीराव मस्तानी की बात करें, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, तो कभी सोचा था नेगेटिव, इतने सारे अच्छे किरदार भी आपने निभाए हैं उसके लिए? तो शायद लोग मुझे नेगेटिव रोल्स में ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे। अगर उसकी वजह से मुझे पुरस्कार मिला है तो शायद मुझे अब यही काम करते रहना चाहिए। तो आगे मैम कुछ विचार है? नहीं, जैसे कोई अगर इंटरेस्टिंग पार्ट आया तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हो।